आपने कहा था कि ये हड़कवंशी समाज का गांव यानी मेरा अपना गांव है, तो आपने कहा था कि मैं बुधनगर खंडुआ जो मेरे एरिया में आता है इसे मैं गोद ले रही हूँ, और आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी कि ये गांव मेरा है और मैं इस गांव की हूँ। आपने जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी कहा था कि जो आप काम है आपका वो आप मुझसे कहें, मैं इसका पूर्ति कराऊंगी, और अगर इस बार मेरी विजय होती है तो मैं इस गांव में दोबारा आऊंगी। इसके बाद भी आप इस गांव में दोबारा नहीं आई थी। बुधनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है, और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराऊंगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक या पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं, और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ की मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी, आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहां पर, आपके कार्यालय भी गए थे मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए आप इसके बारे में क्या कहोगे? भाई सुनिए, आप अपना प्रचार कर रहे हैं, समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहां पर एक तो नहीं बताइए आपने, आप प्रचार कर रहे जी मैम, एक बात समस्या रखवा रहे। आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे, खुद नहीं बताओगे मीडिया की तरफ पूछो, मीडिया की तरफ पूछो कि मां का काम कब तक करोगे, जो आपने कहा। एक मिनट आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ, तो केस क्या कराएंगे हम लिखित रूप में? भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुधनगर वासी सहमत है या नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ, बारात घर है कोई? अभी आमने सामने कोई भी बारात घर है? रास्ता है? बात रखना, तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। और अब जब बात रखी है तो रखन दो बात, तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। ये सारी बात तेरी ठीक है जी, जो तूने कही है, अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तो भूल गया।